फ्रेंड्स, अपने इलेक्ट्रिकल के एक इंटरव्यू में एक बंदे से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अपन ग्लव्स का यूज करते हैं, सेफ्टी ग्लव्स का, उस ग्लव्स को कैसे चेक करेंगे कि वो ग्लव्स सही है या खराब है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस बंदे ने मेरे से पूछा था कि सर मैं इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया था, उनने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे सेफ्टी से रिलेटेड, उसको इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता। तो फ्रेंड्स अगर आपको भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे भी ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए और आप भी इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि उस सेफ्टी ग्लव्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे पता किया जाता है कि वो सेफ्टी ग्लव्स सही है या खराब है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसको PPEs भी बोलते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक, उनका बहुत बड़ा रोल होता है अपने इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड, उसका भी एक मैंने वीडियो बना चुका हूँ, सेपरेट वीडियो है, तो उस वीडियो में मैंने ये बताया है कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो का लिंक है ना जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगी कि अपने इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं अपन सेफ्टी के लिए। तो फ्रेंड्स, सीधा अपन आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ्टी ग्लव्स जो अपने लाइनमैन वगैरह जो यूज करते हैं, उस ग्लव्स को कैसे चेक करते हैं कि वो ग्लव्स सही है या खराब है। फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, यहां तक कि इंजीनियर को भी नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स, उस बंदे ने जिससे ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस बंदे ने क्या बताया था कि सर जो सेफ्टी ग्लव्स होता है उसमें अपन पानी डाल देंगे, ठीक है, सेफ्टी ग्लव्स में पानी डाल देंगे तो पता चल जाएगा कि वो सेफ्टी ग्लव्स सही है या खराब है। कैसे पता चल जाएगा? अगर वो लीकेज होगा, ठीक है, तो पता चल जाएगा, यानी पानी गिरने लगेगा। तो फ्रेंड्स, उस बंदे को इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, पानी नहीं डालते हैं, आपको ही पता है, ठीक है, पानी नहीं डालना है कोई भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट में। टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ग्लव्स वगैरह, ये तो उसमें पानी नहीं डालते हैं। मैं आपको सही इसका आंसर बताता हूं। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात ये है, सेफ्टी ग्लव्स में बस अपन को ये चेक करना है कि वो जो सेफ्टी ग्लव्स है वो पंचर तो नहीं है, यानी कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसमें पानी नहीं डालना है उसको। फ्रेंड्स, क्या करते हैं, सेफ्टी ग्लव्स जब अपन जहां से पहनते हैं ना, वहां पर क्या है, अपने उसमें अपन को हवा डालना है, अपने माउथ से हवा डालना है और उसको पैक कर देना है और उसको जोर से ऐसे पकड़ के रखना है। तो फ्रेंड्स, उस पर अगर लीकेज अगर होगा, ठीक है, तो आपको पता है एयर उससे सप्लाई हो जाएगी, एयर निकल जाएगी। अगर लीकेज होगा, अगर कहीं से भी पंचर होगा वो सेफ्टी ग्लव्स, तो उसमें क्या होगा, लीकेज, हवा निकल जाएगी। और अगर वो प्रॉपर वर्क कर रहा होगा, अगर वो पंचर नहीं होगा तो हवा नहीं निकलेगी। फ्रेंड्स, इसका यही एक आंसर है। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू में अगर कभी भी अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो आप सीधे बताइए कि सर उस पर अपन हवा डाल देंगे और उस ग्लव्स को ऊपर से पैक कर देंगे, और अगर लीकेज अगर हो गया होगा वो, तो हवा निकल जाएगी, एयर निकल जाएगी। अगर नहीं होगा तो हवा नहीं निकलेगी। तो फ्रेंड, इससे अपन को क्लियर हो जाता है कि वो जो ग्लव्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, ग्लव्स कहीं से पंचर नहीं है। तो उस ग्लव्स को पहन के अपन कहीं पर भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही इसका छोटा सा आंसर था। अगर आपको भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये सेफ्टी ग्लव्स को कैसे टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड, टेस्ट नहीं है ये, कुल मिला के चेक है कि वो ग्लव्स है प्रॉपर सही है, काम करने लायक है कि नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फ्रेंड्स किसी को भी डैमेज हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंजरी हो सकती है किसी को भी, ठीक है, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कई बार डेथ भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेफ्टी से रिलेटेड अगर आप इलेक्ट्रिकल में अगर काम करते हैं, तो सेफ्टी का प्रॉपर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो तो अच्छा लगा ही है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और फ्रेंड्स
इस वाली प्लेलिस्ट को भी आप जरूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोस डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ये प्लेलिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है अपने इलेक्ट्रिकल के किसी भी इंटरव्यू। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोग से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।